हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बथुए के साग की रेसिपी। ठंडियों में बथुए का साग खाना बहुत ही फायदेमंद है, साथ ही साथ इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए मैं आपके साथ ये रेसिपी शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमें सामग्री में चाहिए 1 किलो बथुआ, 2 टेबलस्पून मक्के का आटा, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 2-3 हरी मिर्चियां और बारीक कटा हुआ अदरक। दोस्तों, सबसे पहले हम बथुए के साग को बहुत ही अच्छे से धो लेंगे। तो आप इसे 2 से 3 बार पानी में डुबो डुबो के अच्छे से धोएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी बैठी होती है जो कि हमें नज़र भी नहीं आती। बथुए को धोने के बाद अब हम इसे काटना है, तो आप इसे नॉर्मल चॉप कर लें, ज़्यादा बारीक करने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मोटा भी ना रखें। तो इस तरह से बथुए को काट लेंगे। बथुआ कटकर तैयार हो चुका है, आइए इसे हम उबाल लेते हैं। उबालने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। इसे कुकर में हम एक साथ डाल देंगे। कुकर में बथुए को डालने के बाद इसमें डालेंगे नमक। तो जितना नमक हमें साग में डालना है सभी का सभी हमने ऐड कर दिया है। अब लगाएंगे कुकर का ढक्कन, कुकर को चढ़ा लेंगे गैस पर और 2 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। तो बहुत ही जल्दी 2 सीटी आ जाएगी। 2 सीटी आने के बाद इसका प्रेशर निकाल लेंगे, क्योंकि 2 सीटी में बथुआ अच्छे से पक चुका होता है। ढक्कन को खोलेंगे तो बथुआ हमारा पककर तैयार हो चुका है। एक बार हम इसे अच्छे से चला लेंगे जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों, बथुआ अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। आगे के प्रोसेस के लिए हम गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। जी हाँ, किसी भी साग को बनाने के लिए सरसों का तेल बेस्ट ऑप्शन है। अब इस तेल को अच्छे से गर्म करके इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ लहसुन, साथ ही डालेंगे हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ और 3 से 4 हरी मिर्च। तो ये जो हमने तड़का दिया है, इस तड़के को हम तेल में बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे जिससे कि इसका जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाए। जब आपका किचन लहसुन मिर्ची की स्मेल से गूंज उठेगा तब आप इसमें डालें बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम अच्छे से बाकी तड़के के साथ चला लेंगे। जब प्याज ट्रांसपेरेंट होने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। अब टमाटर को भी हम सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, टमाटर अच्छे से पक जाए इसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ा ही नमक इस्तेमाल करें क्योंकि हमने बथुए में भी नमक डाला था। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अगर आप डालना चाहें तो डालें या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और टमाटर को गलने का इंतज़ार करेंगे। टमाटर लगभग गल चुके हैं। अब हमारे जो साग का पानी बचा था वो हम इस टमाटर में ऐड कर देंगे जिससे कि टमाटर और अच्छे से गल जाएं। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अब आप देख सकते हैं टमाटर भी पूरी तरह से गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ साग। साग के अलावा जो पानी बचता है वो भी आप कढ़ाई में ऐड कर दें। इसी के साथ ही साथ हम डालेंगे 2 चम्मच मक्के का आटा और इसे जल्दी जल्दी चला लेंगे जिससे कि मक्के के आटे में गुठलियाँ ना पड़े और सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ। तो अब इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। दोस्तों, इसमें हमने सारी सामग्री को ऐड कर दिया है। अब बस हमें एक काम करना है, इसे खूब अच्छे से पकाना है। तो इसे हम चलाते चलाते अच्छे से पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने ही अच्छे से ये खोल रहा है। जब इस तरह से इसमें बबल्स आ जाएंगे तब हम इसे ढक देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उछलता है जिससे आप जल सकते हैं। ढकने के बाद आंच को मीडियम कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे और उसके बाद फिर हम ढक्कन हटा लेंगे और 1 मिनट तक इसे खोल कर पकाएंगे। अगर आपको ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप इसी स्टेज पर गैस को बंद कर सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ। तो इसका पानी थोड़ा सा और सूख चुका है। अब ये साग लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी और घी को हम बाकी के साग के साथ अच्छी तरीके से मिला लेंगे। दोस्तों, हमारा साग तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और साग को हम बाउल में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म साग को हम सर्व कर लेंगे। इसके साथ आप साइड में राइस या मक्के की रोटी या नॉर्मल रोटी भी घी लगाकर रख सकते हैं। सर्व करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी। ये आप हर कटोरे में ऐड करें जब भी आप इसे सर्व करें। तो इतना अमेजिंग सा साग झटपट बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।